बड़ा व छोटा बंगाल घाटी में फंसे लोगों को राशन मुहैया करवाने के लिए जिला प्रशासन ने सरकार से हेलीकॉप्टर मांगा है। डीसी कांगड़ा ने मुख्य सचिव को इस बाबत पत्राचार किया है। दूसरी ओर 29 सितंबर को बैजनाथ से रवाना हुई रेस्क्यू टीम भी लुल्थान पहुंच गई है। टीम को भेड़ पालक रिकेश कुमार का शव बरामद नहीं हुआ। भेड़ पालक के घायल साथी इंद्र गोपाल को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है। उसे टांडा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रेस्क्यू टीम 25 भेड़ बकरियों और 2 कुत्तों को लेकर मुल्थान लौटी है। आशंका है कि जब भी पहाड़ों में भेड़ पालक फंसे हो जाते हैं। इस बारे जब उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बड़ा व छोटा बंगाल घाटी में काफी भेड़ पालक समय से पहले बर्फबारी होने के कारण फंस गए हैं, ऐसी सूचना उनको मिली है। उन्होंने बताया कि संडे को उनको यह सूचना मिली थी कि एक भेड़ पालक की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि 2 टीमों का गठन किया गया था, वो टीमें रेस्क्यू के लिए गई हैं और वो टीमें वापस आ गई हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने राज्य सरकार से हेलीकॉप्टर के जरिए रेडी टू ईट मील पहुंचाने की मांग रखी है और कल तक हेलीकॉप्टर मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि प्रशासन अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रशासन ने बड़ा बंगाल के लिए पहले हेलीकॉप्टर के जरिए 400 क्विंटल राशन भेजा था। आशंका जताई जा रही है कि बड़ा बंगाल व जोत में फंसे हुए 200 के करीब लोग छोटा व बड़ा बंगाल में इस समय 4 से 5 फीट बर्फ में है और करीबन 200 लोग फंसे हैं। बड़ा बंगाल की करीब 150 आबादी है। इसके अलावा जोत में भेड़ बकरियों के करीबन 25-30 ठारे हैं जिनके साथ करीब 50 भेड़ पालक हैं। हमारे काफी भेड़ पालक जिला कांगड़ा जिला मंडी के धौलाधार के दूसरी तरफ बड़ा बंगाल की तरफ भेड़ बकरी लेके जाते हैं। इस बार अचानक और टाइम से पहले बर्फबारी होने की वजह से तो भेड़ पालक उस तरफ फंस गए हैं, ऐसी सूचना हमारे पास आई है। संडे को हमें ये भी सूचना आई थी कि एक भेड़ पालक की वहाँ पर डेथ भी हो गई। हमने बैजनाथ से और मुल्तान से 2 टीम्स का गठन किया था और 2 टीम्स वहाँ पर गई थी प्रशासन की दृष्टि से सारा का सारा देखने के लिए, रेस्क्यू सर्च करने के लिए, लेकिन वो टीम जो थी वो वापस आ गई क्योंकि रास्ता भी खराब है और कुछ बर्फबारी भी ज्यादा थी। लेकिन लोकल जो लोग गए थे जो वहाँ पर पहुँच गए 3-4 दिन की ट्रैवल करने के बाद, उन्होंने देखा कि कमसर पास की साथ ही लगते एक मुरालधार है, तो उसके पास 300-400 भेड़ बकरियां जो है वो पूरे का पूरा जो झुंड है उनका भी भर गया है। उनमें से 40-50 भेड़ बकरियां ही बची हुई हैं। वो 5-6 लोग जो है वो वापस भी आ गए हैं कुछ भेड़ बकरियों को लेकर। अब प्रशासन को ये लग रहा है, हमें ये लग रहा है कि ऐसे ही भेड़ पालक और भी हो सकते हैं जो कि उन रेंजेज में ट्रैप हों। हमने सरकार से, राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वो एक हेलीकॉप्टर सर्विस हमें प्रोवाइड करें जिससे कि जहाँ भी ये स्टैंडर्ड है भेड़ पालक उन एरियाज में हम फूड आइटम्स, फ्रूट्स, जो भी खाना का ड्राई राशन या रेडी टू कुक वाला जो मील होता है उसकी हम एयर ड्रॉपिंग करें। तो मुझे लग रहा है कि एक आध दिन में हमारे पास हेलीकॉप्टर आ जाएगा और हम इन जो फंसे हुए लोग हैं इनकी मदद करने के काबिल होंगे।